सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के आम चुनाव में क्रिकेट से नेता बने इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। उनकी जीत का असर भारत में भी देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार बन चुके इमरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम देसी मुद्दों के बीच भारत के साथ रिश्तों पर भी बात की है। बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर ने इमरान की बातों का स्वागत करते हुए दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने की उम्मीद जताई है। ऋषि कपूर ने ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया में लिखा, इमरान खान आप अच्छा बोले, भारत पाकिस्तान के संबंध में आपने सभी चैनल्स पर पिछले दो दिनों में जो कहा मैं भी वही कहता आया हूँ। मुझे उम्मीद है आप अपने मुल्क के मेरे मुल्क के साथ अच्छे रिश्ते कायम करने में सफल होंगे। इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कश्मीरी लोग पिछले कई सालों से कष्ट झेल रहे हैं, हमें टेबल पर एक साथ बैठकर कश्मीर मुद्दों को सुलझाना है। अगर भारतीय नेतृत्व ये चाहता है तो दोनों देश बातचीत के जरिए इसे सुलझा सकते हैं। ये भारत पाक दोनों के लिए अच्छा होगा। अगर भारत इस मसले पर एक कदम आगे बढ़ता है तो हम दो कदम आगे बढ़ेंगे। अगर हिंदुस्तान का नेतृत्व हमारे साथ रिश्ते बेहतर करने के लिए तैयार है तो हम भी इसके लिए तैयार हैं। इमरान खान ने ये भी कहा है कि हिंदुस्तान के मीडिया ने मुझे बॉलीवुड के विलन की तरह पेश किया है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।